Hey everyone, how are you all? Welcome back to the Center of Debates. And today in this session, we are continuing with the same topic, Cry the Peacock, that is written by Anita Desai. So we have done part one in the previous video, and in this part, we are going to start with another part, that is part two. पार्ट टू में सेवन चैप्टर्स हैं, तो सबसे पहले आज हम चैप्टर वन को करने की कोशिश करेंगे. ऑल्दो इट्स वेरी लेंदी, तो एक वीडियो के अंदर ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एटलीस्ट थ्री वीडियोस मुझे आपके लिए लानी होगी. तो प्लीज आप इसको सीरियसली देखें. देयर रिमेन रिमेन अ सर्टेन अनईज. हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि कैसे वो उसका जो डॉग है वो मर जाता है, और उसके बाद उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है. क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्टोरी है एक साइकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ दैट पर्टिकुलर वुमेन माया, उसका एक साइकोलॉजिकल स्टेटस इसमें बताया गया है कि कैसे वो अपने डॉग के चले जाने पर किस तरह से बिहेव करती है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ पेन शी इज हैविंग. ओके, सो देयर रिमेन अ सर्टेन अनईज, एक तरह की अजीब सी बेचैनी जो है वो उसके अंदर रह जाती. अ हेजिटेंस इन द एयर, एक तरह का डाउट ना, संदेह हवा में, दिमाग में या चारों तरफ. विच कैप्ट द टेयर्स स्विमिंग इन माई आईज, जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आते रहे. एंड प्रिवेंटेड देयर रिलीज, लेकिन वो जो बेचैनी थी, वो जो हेजिटेंस था, उसने उन आंसुओं को बाहर भी नहीं आने दिया. आई वॉज नॉट अलाउड द हीलिंग पैशन ऑफ अ फिट ऑफ क्राइम दैट वुड हैव लेफ्ट मी एग्जॉस्ट. मुझे अलाउ नहीं था कि मैं वो जो मेरी जो सिचुएशन थी, द हीलिंग पैशन ऑफ अ फिट. हीलिंग पैशन ऑफ अ फिट का मतलब यहाँ पे हुआ कि वो अपने आप को हील कर पाए. हील कैसे करेगी जब उसका जो हस्बैंड था गौतम, वो उसको सपोर्ट करता, ताकि वो रोती और रो के एग्जॉस्ट हो जाती. ठीक है, वो दैट वॉज नॉट अलाउड बिकॉज उसका हस्बैंड उसको रोने नहीं दे रहा था, उसको चुप कर देता था कि डोंट क्राई, इट्स नॉट मच सीरियस एंड ऑल. स्लीप वॉश एंड बी काम, कि मैं रो के फिर सो के शांत हो जाऊँ, है ना, लाइक सब कुछ खत्म कर दूँ, जो भी मेरे दिमाग में पेन है, दर्द है, वो सब कुछ. समथिंग स्लिप्ड इनटू माय टियर हेज विजन, कुछ चीज थी जो बार बार मेरा जो धुंधली आंखें थी, बिकॉज रोते रोते उसकी आंखें, होता ना टियर हेज विजन, जब आप रोते हुए देखते हो तो सब कुछ धुंधला दिखता है, तो उन आंखों से कुछ ना कुछ बार बार निकल रहा था. अ शेडोई समथिंग दैट प्रूडेड मी इनटू एडमिटिंग दैट इट वाज नॉट माय पेट्स डेथ. वो बातें, मतलब उसके दिमाग में बार बार जो चीजें आ रही थी, वो चीज उसको बार बार पोक कर रही थी. प्रूडेड इन द सेंसेस पोक करना, बार बार उसको परेशान कर रही थी. क्या इनटू एडमिटिंग, ये मानने के लिए मुझे बार बार प्रोक कर रही थी कि ये सिर्फ तुम्हारे पेट की डेथ नहीं थी. अलोन आई मोन टूडे, जिसकी वजह से मैं आज दुखी हुई, या फिर मैं सुबह से रो रही हूँ, बट अनादर सोरो, एक और दुख है, अनरिमेम्बर्ड, परहैप्स एज येट नॉट इवन एक्सपीरियंस, ऐसा दुख जो मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया अभी तक. एंड फिल्ड मी विद दिस डिस्पेयर, और जिसने मुझे इस तरह से निराश छोड़ दिया है. आप समझना चाहे वो दुख ये है कि उसका जो हस्बैंड है वो इसके इस दर्द में सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसके साथ बात नहीं कर रहा है, एंड ऑल बात इन द सेंस लाइक शेयर नहीं कर रहा उसका पेन. आई कुड नॉट फोकस माई माइंड अपॉन सो स्विफ्टली एंड कॉन्स्टेंटली डिड इट मूव. मैं इस बात पर या फिर इस सिचुएशन पर अपने माइंड को फोकस नहीं कर पा रही हूँ. लाइंग ऑन माई बेड विद माई आई शट, अपने बेड पे लेटी हुई आंखें बंद करके मैं सोचने की कोशिश कर रही हूँ किसके बारे में. ऑफ द डॉग रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, उसको अपने कुत्ते की याद आ रही है कि वो किस तरह से अपनी बैक पर रोल करता हुआ गेज एट मी विद फॉन, प्यार से मेरी तरफ देखता था. फ्लावर सॉफ्ट आईज, उसकी आंखें इतनी मासूम, इतनी सॉफ्ट. वॉज इट दैट आह नाउ आई दैट आई थॉट ऑफ, कि मैं वो सारी चीजें इसके माइंड में पिक्चराइज हो रही है. ठीक है, कैसे वो मुझे देखता था विद फॉन्ड फ्लावर सॉफ्ट आईज, अपनी प्यार भरी सॉफ्ट आईज से. वॉज इट दैट, क्या ये वो था, लाइक वॉज इट लव, आह नाउ दैट आई थॉट ऑफ इट, इट वॉज इन इट. अब जब मैं सोचने लगी हूँ तो मुझे पता चला कि हाँ यही था, सच में यही था. आई इंसिस्टेड क्लेंचिंग माई फिंगर्स अबाउट द पिलो.
पिलो को एक तरह से क्लेंचिंग माई फिंगर्स अबाउट का मतलब होता है एक तरह से हग करते हुए पिलो को, वो ये चीजें सोच रही है। आप यहाँ पर पिक्चराइज कर लो कि जो माया है वो एक ऐसी लेडी है जो उस बात पर रो रही है, बेड के कोने पे बैठी है, बस रोए ही जा रही है ना, अपने आप में अंदर अंदर दुखी होते जा रही है, रोए जा रही है, तो ये सोचे जा रही है बहुत सारी चीजें। बट द पिलो गौतमास वॉज हार्ड, मतलब यहाँ पे जो पिलो का मतलब था सहारा, मतलब पिलो को क्यों क्लिंच कर रही है, क्योंकि वो दुखी है यहाँ पे। लेकिन बात करें थी गौतमा की, तो ही वॉज हार्ड, उसका जो हार्ट था लाइक ही वॉज नॉट लाइक माया, जैसा वो सोच रही वैसा वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। डिड नॉट रेलेंट, वो जो है गौतमा वो बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, मतलब उसका दिल। फोर्स मी टू एडमिट दैट द स्ट्रेंज हॉरर हैड नॉट येट बीन रिकॉग्नाइज इवन दो इट वॉज, मतलब उसने मुझे ये मानने के लिए फोर्स कर दिया कि वो जो स्ट्रेंज हॉरर है, हॉरर ऑफ लूजिंग द डॉग एंड ऑल, वो जो है नॉट बीन रिकॉग्नाइज इवन दो, कि ये तो उसने पहचाना भी नहीं कि इसमें मतलब उसको कहीं ना कहीं ये फील ही नहीं हुआ कि वो कोई डर की बात है, उसने उसको जस्ट प्रैक्टिकली ले लिया। आप देख सकते हो कि जो हस्बैंड है वो बहुत ज्यादा मेच्योर है और जो वाइफ है वो बिल्कुल भी मेच्योर नहीं, लाइक कम्प्लीटली इमेच्योर है, वो बच्चों जैसा बिहेव कर रही है। श्योरली कनेक्टेड विद द कॉर्प्स, द स्मॉल सॉफ्ट कॉर्प्स एंड द ऑडोर ऑफ फ्लैश, तो उसने उस हॉरर को पहचानना ही नहीं, मतलब उसने उसको लेट इट गो कर दिया। तो कनेक्टेड विद द कॉप्स, कॉप्स यहाँ पर कौन, वो डॉग का जो बॉडी था, वो द स्मॉल सॉफ्ट कॉप्स एंड द ऑडोर ऑफ फ्लैश, उसके जो फ्लैश की बदबू थी, दुर्गंध थी। वन स्वीट वंस लव, देखो पहले जब ये फ्लैश, जब तक वो डॉग था तो इट वॉज स्वीट, तब वो खुशबू थी ऑडोर, ठीक है। वंस लव देन, एक बार वो वही छोटा सॉफ्ट कॉर्प्स जो कि एक छोटा पपी था, डॉग था, वो उसका फ्लैश यानी कि जब वो जिंदा था तो वो बहुत स्वीट था, प्यारा था, और जब सडनली वो जब मर गया है तो नाउ इट इज रोटन, सड़ गया है एंड रिपल्सिव, ओके। तो अभी जब वो मर गया है तो समझो कि ये रोटन हो गया है, रिपल्सिव हो गया है, तो कोई पसंद नहीं करता। एंड द लिक्विड ब्राइटनेस ऑफ द मिरर ब्लर्ड, और वो जो लिक्विड ब्राइटनेस ऑफ द मिरर थी यानी कि वो जो इमेज थी वो ब्लर हो गई है, जो मेमोरी थी वो ब्लर हो गई है, द पिक्चर वेंट आउट ऑफ फोकस, यानी अब उसको सब भूल ही गए, सब इन द सेंसेस उसका हस्बैंड। आई क्रैप्ड इनटू अ कॉर्नर ऑफ द बेड, मैं बेड के कॉर्नर पर खिसकी ना क्रीपिंग करते हुए, क्राउज देयर, वहां पर जाकर मैं थोड़ा नीचे झुकी, लाइक स्टिल शी इज थिंकिंग, पहले लेटी हुई थी अब बैठ गई, थिंकिंग दैट इट वॉज परहैप्स बिकॉज ऑफ गौतमा नॉट अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है शायद इस वजह से क्योंकि वो ये नहीं समझ रहा है, इट इज ऑल ओवर ही हैड सेड, जैसा कि उसने कहा कि सब कुछ खत्म हो गया है, एज कामली एज द मेडिटेटर बीनीथ द साल ट्री, जिस तरह से साल ट्री के नीचे मेडिटेटर जो होता है वो बैठ के बोल देता है कि सब सब सही हो गया एंड ऑल, वैसे ही वो इस तरह से बोल रहा है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और वो मुझे क्या कह रहा है, यू नीड अ कप ऑफ टी, कि तुम्हें एक चाय का कप चाहिए, तो इट इज नॉट एक्चुअली प्रैक्टिकल फॉर माया बट हस्बैंड के लिए है, जैसा कि उसने मुझे कहा। शोइंग हाउ लिटिल ही न्यू ऑफ माई माइज, ये क्या दिखाता है कि वो मेरे दुख के बारे में कितना कम जानता है, और ऑफ हाउ टू कंफर्ट मी, और उसे ये भी नहीं पता है कि मुझे कंफर्ट कैसे दिया जाए इस पेन में, जब मैं परेशान हूँ दुखी हूँ, वो मुझे चाय पीने को बोल रहा है। बट देन ही न्यू नथिंग दैट कंसर्न मी, लेकिन इससे तो यही पता चलता है कि उसको कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, इन सब चीज के बारे में वो कुछ नहीं जानता। गिविंग मी एन ओपल रिंग, मुझे एक ओपल रिंग, ओपल रिंग क्या, तो ओपल इज अ काइंड ऑफ स्टोन, एक रिंग पहना दी, मतलब इट्स शी इज शोइंग द रिलेशन, कि उसने मुझे एक रिंग पहना दी टू वेयर ऑन माई फिंगर, ही डिड नॉट नोटिस, मतलब उसने मुझे शादी कर ली लेकिन उसको ये तक नहीं पता द ट्रांसलूसेंट स्किन बिनीथ, कि मैं क्या सोचती हूँ, मतलब एक जनरल दिया है कि अंगूठी तो पहना दी लेकिन उस अंगूठी के नीचे जो ट्रांसल्यूसेंट स्किन है जिसको आप आर पार देख सकते हो, खुली किताब काइंड ऑफ द ब्लू फ्लैशिंग वीन्स, और जो ब्लू वीन्स है, नसें हैं, दैट रेन अंडर एंड
आउट ऑफ द ब्रिज ऑफ गोल्ड एंड जॉल्टेड मी इन टू स्माइलिंग विथ प्लेजर ईच टाइम आई सॉ इट। वो रिंग जो इसने मुझे पहनाई, जिसके नीचे मेरी ट्रांसलूसेंट स्किन है, जिसके अंदर फ्लैशिंग बीन्स है, ब्लू कलर की चमकती हुई नसें, वो नहीं दिखी उसे। मतलब उसने मुझे रिंग पहना दिया बट उसने मुझे नहीं पहचाना। दैट व्हाट आई वांट, मुझे कैसे समझाया जाए, कैसे कंफर्ट किया जाए, ये सब वो नहीं जानता। सिर्फ उसने मुझे रिंग पहना दी, वो रिंग जो कि जिसके नीचे ही, मतलब उसका ब्रिज। अब सपोज आप इसको कैसे पहचानोगे कि जैसे रिंग है ये, तो इसका ये ब्रिज है और जिसके अंदर से ये फिंगर है, ठीक है। ब्रिज ऑफ गोल्ड, गोल्ड की ये रिंग है और इसके ऊपर जो स्टोन है वो किसका है, ओपल का। तो इट जोल्टेड मी, इसने मुझे हिला दिया, या मुझे इससे मुझे असर हुआ। लाइक वो यदि उसने रिंग पहनाई है तो वो ऑटोमेटिकली उससे अटैच हो गई अपने हस्बैंड से। इंटू स्माइलिंग विथ प्लेजर ईच टाइम, जब भी मैं इसको देखती हूँ अंगूठी, तो मुझे खुशी होती कि चलो ये रिंग मुझे मेरे हस्बैंड ने पहनाई है, नाउ आई एम कनेक्टेड विथ समवन हु विल सपोर्ट मी एंड ऑल। तो ये सब बातें वो सोच रही है। टेलिंग मी टू गो टू स्लीप व्हाइल ही वर्क एट हिज पेपर्स, मुझे ये कहना कि तुम सोने चली जाओ जब वो काम करता रहता है। ही डिड नॉट गिव अनदर थॉट टू मी, उसने दोबारा मेरे बारे में सोचा नहीं। टू ईदर द सॉफ्ट विलिंग बॉडी और द लोनली वॉन्टिंग माइंड, ना ही तो मेरी जो सॉफ्ट बॉडी है उसके बारे में कि भाई इसके साथ जाऊं टाइम स्पेंड करूं, या फिर वो जो अकेला माइंड है कि मैंने शादी की है तुम्हारे साथ आई हूँ तो मुझे भी आई नीड अ कंपनी। दैट वेटेड नियर हिज बेड, वो माइंड जो वहां बेड पे वेट कर रहा है कि वो, जैसे उसने कहा कि तुम जाओ सो जाओ मैं काम कर रहा हूँ, तो शी वॉज फीलिंग लोनली कि उसे कंपनी चाहिए थी अपने हस्बैंड की कि वो जाए उसके साथ उससे बात करे ऑल, बट ही वॉज डिफरेंट, वो अपने काम में बिजी था। एंड नाउ सीइंग मी बिरेव्ड, और जब मैं अभी दुख में भरी हुई हूँ, जब मैं इतना परेशान हूँ, ये देखकर सीइंग टीयर्स ऑन माई फेस एंड माई पेट गॉन, जब मैं इतना दुखी हूँ, आंखों में इतने आंसू हैं, मेरा पेट जो है वो चला गया है, और वो क्या कह रहा है, यू नीड अ कप ऑफ टी। येस आई क्राइड, येस इट इज हिज हार्डनेस, हाँ यही है जो उसकी हार्डनेस है, खड़ूस है एक नंबर का। नो 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 नॉट हार्डनेस बट द डिस्टेंस ही कोल्डली कीप्स फ्रॉम मी। ये हार्डनेस नहीं कह सकते हो कि वो जो जानबूझकर मुझसे डिस्टेंस रखता है, हिज कोल्डनेस। कोल्डनेस का मतलब क्या होता है, अपने आप को अलग रखना। हिज कोल्डनेस एंड इनसेसेंट स्टॉक ऑफ कप ऑफ टी, वो जो लगातार चाय की बात करता रहता है, फिलोसफी की बात करता है, क्यों, इन ऑर्डर नॉट टू हियर मी टॉक एंड टॉकिंग रिवील माई सेल्फ, ताकि मैं अपनी बात उसे ना कह सकूं और अपने आप में क्या चाहती हूँ या क्या कहना चाहती हूँ वो सब उसे नहीं कह सकूं, इसलिए वो लगातार या तो चाय की बात करता रहेगा या फिलोसफी की बात, बस उसके अलावा उसको कुछ नहीं पता। इट इज दैट माई लोन, इट इज दैट माई लोनलीनेस इन दिस हाउस, और यही मेरा अकेलापन है इस घर में, अकेली है। वो जो डॉग था उसके साथ वो अपना टाइम स्पेंड करती थी, उससे बहुत ज्यादा अटैच थी, रीजन बीइंग कि उसका हस्बैंड उसके उसका उसको इतना टाइम नहीं देता था, बुरा नहीं था बट ही वॉज बिजी बिजी विद हिज वर्क, और वो चीज उसको नहीं समझ में आती थी। एंड आई क्लेंस माई हैंड्स अगेन, और फिर से मैंने अपने हाथों को पकड़ा, सो दैट द स्किन स्ट्रेस, वो स्किन स्ट्रेच हुई और स्ट्रीम्स ऑफ ब्लड रोज एंड फ्लंग, और उसके अंदर से जो स्ट्रीम ऑफ ब्लड है यानी कि वीन्स के अंदर से जो खून निकला, मतलब वो दिखा मुझे, बट वेन आई क्लोज माई आईज दे वैनिश, और जब मैंने आंखें बंद की वो सब निकल गया, स्ट्रीम ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर वो सेम चीज इज अबाउट द पिक्चर ऑल्सो, लाइक द लिक्विड मिरर, वो सब कुछ खत्म हो गया जैसे कि एक लिक्विड मिरर। द ब्लैक फ्रेम ऑफ द डो, द स्कैलेट ब्लाउज फ्लंग अपॉन द फ्लोर, स्कैलेट ब्लाउज एक ऑरेंज कलर का सिंदूरी कलर का ब्लाउज जो है वो डोर फ्लोर पे पड़ा हुआ था, किस तरह से, जैसे कि एन अबैंडन फ्लैग, एक अबैंडन फ्लैग की तरह वो जो ब्लाउज था वो फ्लोर पे पड़ा हुआ था। दे ऑल ड्रॉप फ्रॉम मी डिसअपीयर्ड, वो सारे के सारे मतलब मैंने ही उतार के फेंके थे तो वो फ्लोर पे पड़े हुए थे। आई वॉज अलोन, मैं बिल्कुल अकेली थी। यस आई विम्पर्ड, मैंने विम्पर्ड मीन्स होता है सुबक सुबक के रोना। इट इज दैट आई एम अलोन, बस यही है कि मैं अकेली हूँ या दिस इज ऑल। एंड देन गेव माई सेल्फ अप टू अ फिट ऑफ फ्यूरियस पिलो बीटिंग,
ना। और फिर मुझे क्या मिला, एक फिट ऑफ फ्यूरियस पिलो पिलो मिला, जिसको मैं बीट करूं, किक करूं, कुछ भी, पर रोती रहूं। ठीक है, तो वो पिलो है जिसको पकड़ पकड़ के वो रो रही है। फ्रॉम चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, यदि मैं अपने बचपन को याद करूं तो आई न्यू दिस टू बी स्वीटली एग्जॉस्टिंग। मुझे यहाँ तक है कि ये चीज जो है बहुत ही एग्जॉस्टिंग है। रीजन आपको बाद में पता चलेगा, यहाँ पे चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस क्यों लेता है, क्योंकि वो उसके फादर ने उसको बहुत पैम्पर किया था बिफोर मैरिज, तो अभी उसको कोई चाहिए जो आए मनाए उसके पास बैठे उसकी बात सुने। आई वॉज एग्जॉस्टिंग स्टिल, मैं अभी भी थकी गई थी ये सब करते, बट नो लॉन्गर स्वीटली सो, लेकिन उतना नहीं। द साइलेंस दैट फॉलोड, द स्टिलनेस ब्रॉट माई लिम्स टू रेस्ट। जो साइलेंट थी, जो स्टिलनेस था, वो अब मेरे लिम्स, जैसे बॉडी, लेग्स बोलो या फिर जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको मैंने रेस्ट दिया। एंड माई हॉट फेस टर्न एट लास्ट टू द इवनिंग ब्रीज कमिंग इन एट द विंडो। और मेरा जो हॉट फेस था वो मैंने विंडो की तरफ किया, जहां से शाम की अच्छी हवा आ रही थी। बट आई रियलाइज ऑल्सो विद न्यू फाउंड मेच्योरिटी, बट मैंने रियलाइज किया कि मैं, मेरे अंदर नई मेच्योरिटी आई, दैट इट वॉज वेन वंस वाइल्डेस्ट पैशन वर ओवर। और मुझे क्या समझ आया कि जब किसी इंसान का जो वाइल्डेस्ट पैशन होता है, मतलब जिस चीज के लिए वो बहुत ज्यादा क्रेजी होता है, यदि वो खत्म हो जाए, वंस ग्रेटेस्ट फ्यूरीज काम, किसी की सबसे ज्यादा जो फ्यूरीज है, मतलब उसकी जो एक्साइटमेंट है, यदि वो काम हो जाती है, व्हेन द बॉडी लिव ऑन, और जब बॉडी थक जाती है एंड नियरली सेंसलेस, जब उसमें कोई सेंस नहीं बचता है, दैट वन ग्रू मोस्ट कीनली अवेयर ऑफ द क्रेपिटेशंस ऑफ द माइंड। और तब जब कोई इंसान अपने दिमाग की जो हलचल है, जो साउंड है दिमाग में, जो थॉट्स चल रहे हैं, वो ये सब समझ जाए, द स्ट्रेंज कोल्डनेस ऑफ द हार्ट, हार्ट का जो स्ट्रेंज कोल्डनेस है, कोल्डनेस इन द सेंसेस लाइक किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ना, लाइक एन एक्सपेंस ऑफ अ न्यू ऑफ न्यू आईज अपॉन विच थॉट स्ट्रीक, है ना। और इस तरह से जैसे कि कोई नया आईज, लाइक एक्सपेंस यानी कि आईज जैसे फैलता हो, वैसे स्ट्रीक डिस्टेंट एंड डार्क हॉन्टिंग वंस अवेयरनेस, किसी इंसान की अवेयरनेस जो है, मतलब उसकी उसका जो माइंड है वो मेच्योर हो रहा है, और वो हर चीज को समझ पा रहा है। आई लिसन टू द थ्रॉब ऑफ माई पल्स, मैंने मेरे जो धड़कने हैं उसकी जो धक धक है उसको पहचाना। आई ट्राई टू थिंक ऑफ इट एज द रिदम ऑफ अ स्ट्रीम, मैंने सोचा कि ये एक स्ट्रीम की रिदम होगी, है ना, यानी कि वेन्स की बातें हमें थोड़ा सा साइंटिफिक लिया है। Which would, if I permitted it, carry me backwards? वो जो कि यदि मैं इसको परमिट करूं तो ये मुझे पीछे लेके जा सकती है। थ्रू सीन्स एंड इवेंट्स, है ना, यदि मैं सोचू मेरे माइंड पे, तो मुझे ये पीछे लेके जा सकती है उन्हीं सीन और इवेंट्स को, फ्लैशेस ऑफ लाइट्स, क्राइज इन द गार्डन, सडन लाफ्टर, सडन गस्ट ऑफ विंड, टू द सोर्स ऑफ दिस डिस्टर्बेंस, मतलब सारी चीजें यदि मैं मेरे, मतलब यहाँ पर वो अपने माइंड को कंट्रोल की बात कर रही, कि मैं चाहूँ तो कंट्रोल कर सकती हूँ और चाहूँ तो वो सब चीजें सोच सकती हूँ जो कि चलता आ रहा है। इट कैरीड मी बैक, यस, और इसी ने मुझे पीछे ले दिया, यानी कि यही जो थॉट था ये मुझे पीछे लेके गया। एंड आई थॉट ऑफ गौतमा वाइपिंग हिज फिंगर्स, अब पीछे गई तो कितना पीछे गई, उसको याद आया वही चीज कि गौतम अपना, आपने देखा होगा कि वो फ्रेशली फोल्डेड टॉवल से अपना हाथ पोंछता है, उससे पोंछ रहा है बिफोर ही ड्रैंक हिज टी, एंड फ्रॉम देयर बैक टू माय वाइट डॉग रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, वहां से उसको गौतम याद आया, फिर उसके बाद और पीछे उसको अपना डॉग याद आया, इन जो कि अपनी पीठ पर रोल कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है, और इनवाइटिंग मी टू स्क्रैच द रफ स्टिकी फर ऑन हिज स्टमक, और मुझे कह रहा है कि मेरा जो स्टमक है, मतलब उसका जो डॉग है, आप डॉग को विजुलाइज कर सकते हैं किस तरह से वो कहते हैं कि बॉडी को स्क्रैच करो जो कि उनको अच्छा लगता है, बट नो फर्दर, पर उससे आगे नहीं। देयर इट स्टक वॉज डैम, ये जो मेरे दिमाग में फंस गया था ना ये चीज, मेरा डॉग वाला थॉट, मतलब जो मेरे हस्बैंड का थॉट आया तो मैं उससे और पीछे तक भी चली गई, लेकिन जब डॉग वाला थॉट आया तो उससे पीछे मैं अपने आप को नहीं ले जा पाई।
आई कंटिन्यू टू रिपीट टू माई सेल्फ, और मुझे बार बार यही थॉट आता जाता है, मतलब मुझे बार बार रह रह के उसी की याद आ रही है, मीनिंगलेसली. द फोन नेम्स आई हैड फॉर माई पेट, वो जितने प्यार से भरे प्यारे प्यारे नाम मैंने उसके रखे हुए थे, वो सारे. चाइल्डलेस वुमेन डू डेवलप फैनेटिक अटैचमेंट टू देयर पेट्स, ऐसे ही वुमेन जिसके बच्चा नहीं होगा, बच्चा नहीं है, तो वो अपने जो पालतू जानवर हैं उनसे एक फैनेटिक, एक एक्साइटमेंट वाला अटैचमेंट जो है, इंथुजियास्टिक वाला अटैचमेंट जो है वो क्रिएट कर लेती है. इट इज नो लेस अ रिलेशनशिप देन दैट ऑफ अ वुमेन एंड हर चाइल्ड. तो ये एक बच्चे और उसकी माँ के जैसा ही रिलेशनशिप क्रिएट हो जाता है, ऐसी वुमेन जिसका बच्चा ना हो, नो लेस वर्दी ऑफ रेवरेंस. और ये किसी रेवरेंस यानी कि रिस्पेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर डॉग, तो उसके लिए मेरी जो श्रद्धा है ना, उससे कम नहीं है. एन एगोनाइज रिमेम्बरेंस, और जो कह सकते हैं कि मेरी जो जो यादें हैं उसके साथ में, वो बहुत पेनफुल है. ठीक है, द पेनफुल रिमेम्बरेंस, ये सारी जो है वो कनेक्टेड है. आई शेल नेवर फॉरगेट, आई प्रॉमिस, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, मैंने ये वादा किया. विद पार्टेड लिप्स एंड क्लास्प हैंड्स, ठीक है, पार्टेड लिप यानी कि खुले मुंह से, एंड क्लास्प हैंड्स कसकर हाथ पकड़ के अपन बोलते ना कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी. नेवर एंड वॉज इमिडिएटली मेड अवेयर ऑफ द मूवमेंट्स ट्रिकलिंग पास, और इमिडिएटली मुझे वो सारे के सारे मूवमेंट्स जो थे वो ट्रिकल हो गए जो कि पास में आए थे. ओके, देर वॉज नो सच थिंग एज नेवर, वहां पर ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसे मैं नेवर कहूँ कि मैं इसको कभी नहीं भूल पाऊंगी. ओनली नाउ एंड यस्टरडे टुमारो, ये सिर्फ आज कल और परसों की बात है, ठीक है, आने वाला कल. डिड आई नीड टू थिंक ऑफ इट, क्या मुझे इन सब चीजों की सोचने की जरूरत है, बिकॉज मुझे तो, मैंने तो कहा था कि मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी ये सब. आई ट्विस्टेड अवे फ्रॉम टुमारो, मैंने कल से अपने आप को थोड़ा अलग किया, बिकॉज आई न्यू हाउ क्लोजली लिंक्ड टू द चेन ऑफ टाइम वॉज द, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये जो टाइम है वो कितना क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड है. द इन एविटेबल, ओके, कि ये चीज जरूर होने वाली है. क्या होने वाला है, जस्ट अ मिनट. इन एविटेबल ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट, ओके, इट्स डिसइंटीग्रेशन. मुझे पता है कि ये जो अटैचमेंट है जो पक्का होने ही होने वाला है, इट्स डिसइंटीग्रेशन यानी ये अटैचमेंट टूट भी जाएगा, एंड देन द डिल्यूज, और फिर आंसुओं की भरमार, या कह सकते हो कि दुख. व्हेन गौतमा केम एट लास्ट, आई हैड नियरली लल्ड माई सेल्फ टू स्लीप, जब गौतमा आया मेरे पास तो मैंने अपने आप खुद को ही रो रो के सो गई थी. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नेवर वॉज अ ग्रेट सक्सेस विद मी, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो बार बार मैं सोच रही थी, वो सब मेरे लिए कभी ग्रेट सक्सेस नहीं है. एंड आई हैड सून टर्न टू रिमेम्बरेंस ऑफ अ ललाबाई दैट वॉज क्रून टू मी एज अ चाइल्ड, अ जेंटल पोएनेंट ललाबाई दैट आई मर्मर टू माई सेल्फ. तो मुझे जो है याद आ जाती है मेरी वो ललाबाई जो कि एक काइंड ऑफ सॉफ्ट दैट वाज क्रून टू मी, है ना, जो कि मुझे उसे हल्की हल्की सॉफ्ट सॉन्ग की तरह सुनाई देती है, जैसे कि एक छोटे बच्चे को सुलाते हैं. दिस पोएनेंट ललाबाई दैट इज समथिंग विच इज पेनफुल, है ना, पहले जो वो अपने आप को खुद को ही सुला लेती है उस ललाबाई से, लॉरी से, दैट आई मर्मर टू माई सेल्फ, जो मैं अपने आप को ही सुनाती हूँ. ठीक है, तो आई कुड टर्न माई फेस टू हिम विदाउट एंगर, मैं अपने आप को ये ललाबाई सुना के शांत कर लेती, चुप कर लेती, सुला लेती हूँ, ताकि मैं उसकी तरफ फेस कर सकूँ. व्हेन वी आर लाइंग ऑन द बेड, मैं उसकी तरफ फेस कर सकूँ बिना गुस्से से कि तो मुझे मनाने ही नहीं आया, और ऑल हैविंग लॉन्ग सिंस स्पेंट इट, क्योंकि बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है. व्हेन ही टच माई हेयर स्मूदिंग इट डाउन केयरफुली एज अ नर्स वुड, जब वो मेरे बाल टच करता था और उनको ऐसे स्मूथ यानी कि सहलाता था जैसे कि नर्स करती है, आई वॉज फ्लडेड विद टेंडरनेस एंड ग्रेटिट्यूड, मेरे अंदर जो इमोशंस हैं
और ग्रेटिट्यूड है उसके लिए, जो थैंकफुलनेस है उससे मैं भर जाती थी। अरे वाह कितना अच्छा पति है। थॉट ऑफ हिम एज माई गार्जियन, मुझे लगता था कि वो मेरा गार्जियन है, मेरा प्रोटेक्टर है, द वन हु हैड सीन टू द ब्यूरल ऑफ माई पेट एंड नाउ केम टू वाइप द स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर आउट ऑफ माई वेट आईज एंड स्पीक टू मी सॉफ्टली। वो जिसने मेरे पेट को का बरियल देखा है ना, उसको भेजा है दफन करने के लिए, जलाने के लिए, और अब वो मेरे आंसू पोंछने के लिए आया है। स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर का मतलब होता है जब आप रोते रहते हो तो कुछ बाल मुंह पे आ जाते हैं नॉल, तो हेयर आउट ऑफ माय वेट आईज मेरी गीली आंखों से उन बालों को हटाने के लिए आया और मुझसे सॉफ्टली बात करता है। आके कहता है, लाइंग हियर इन द डार्क, अरे यहाँ अंधेरे में क्यों लेटी हो, एंड ड्रू अ फिंगर डाउन माई चिक, और मेरे गाल पर अपनी फिंगर घुमाता है। फॉल फॉल लॉन्ग फॉल इन टू द सॉफ्ट वेलवेट वेल ऑफ द प्रिमोर्डियम। प्रिमोर्डियम इज बेसिकली साइंटिफिक टर्म फॉर अ प्लांट, एक सेल डिविजन को बोलते हैं, बट यहाँ पे समझो कि एक कली। फॉल फॉल लॉन्ग फॉल इन टू द सॉफ्ट वेलवेट वेल ऑफ प्रिमोर्डियम ऑफ ओरिजिनल इंस्टिंक्ट। तो अब ये जब उसने किया, क्योंकि तो शी वॉज वेटिंग कि उसका हस्बैंड आए, उसे बात करे, उसको मनाए, उसको चुप करे, बट दिस सिंपल थिंग विच ही आस्क है ना, क्या अकेले में क्यों बैठी हो, उसके फिंगर को उसकी चीक पे ड्रू करना, तो इससे उसको लाइक उसने दिखाया कि एक कली है ना, कली का जो वेलवेट वेल है यानी कि जो सॉफ्ट पार्ट है वो टर्न्ड आउट इनटू अ फर्स्ट फॉर्म लव है ना, जैसे कि पहला पहला प्यार। हिज टेंडरनेस वाज द कैथार्टिक आई डिजायर्ड, उसका जो टेंडरनेस है, उसका जो इमोशन है, उसका जो लव है, दैट वाज कैथार्टिक। कैथार्टिक का मतलब होता है लाइक फुल ऑफ इमोशन। ओके वो जो था वो इमोशनल था। आई डिजायर एंड नाउ एट लास्ट आई बिगिन टू ट्राई अगेन। और फिर जब उसने मुझसे आके बात किया और इस तरह से किया तो मुझे फिर से रोना आ गया। प्रेसिंग माई फेस अगेंस्ट हिम, उसकी तरफ मैं अपना फेस करते हुए उसकी तरफ करते हुए उसने कहा, कम कम ही सेड एंड टुक आउट द हैंकरचीफ। अरे अरे क्या हुआ क्या हुआ, चलो एक हैंकी निकाला, मोस्ट टेन देन एवर, मतलब बहुत ही खराब सा दाग पड़ा हुआ था। आई क्लज्ड इट, मैंने उसको पकड़ा सोबिंग रोते हुए कि उसने कहा, डू गेट अप, अरे उठो उठो, द सर्वेंट्स आर कमिंग टू टेक द बेड्स आउट फॉर द नाइट, कि वो जो सर्वेंट्स हैं वो बेड बाहर बिछाएंगे अपने लिए, एंड रियली इट इज मच प्लेजेंटर आउटसाइड, अरे बाहर बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं, वाइप योर फेस, अपना फेस पोंछो एंड वील गो आउट माया, हम बाहर चलते हैं। फॉर्मली ही हेल्प मी आउट ऑफ बेड, उसने मुझे बाहर बेड से बाहर लाने के लिए हाथ पकड़ा उठाया। वेटेड अंटिल आई हैड फाउंड माई स्लीपर, जब तक मैंने अपनी चप्पल ढूंढी उसने मेरा वेट किया, जब तक मैंने अपने कपड़े ठीक किए तब तक वो अपना वेट किया, देन लेड मी आउट ऑन द वरेंडा, और फिर मुझे वरेंडा की तरफ ले गए, डाउन द स्टेप्स इन टू द गार्डन, गार्डन में ले गए, वरंडा, वरंडा के बाद सीढ़ियां, सीढ़ियां से नीचे उतरा और गार्डन में ले गया। ठीक है, इट वॉज इन डेड एज ही हैड प्रॉमिस, ये सब वैसा ही था जैसे कि उसने मुझसे प्रॉमिस किया था। कैसा था, बाहर का मौसम प्लेजेंट था, प्लेजेंट देयर, द बाम ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस की जो मरहम थी, बाम इन द सेंसेस जो मरहम, क्योंकि वो इतनी देर से अंधेरे में बैठी थी, मेट मी विद अ लिटिल शॉक, मुझे लिटिल शॉक से मिलाती है, लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मेडिसिन, शॉक इन द सेंसेस करंट, लाइक अ स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव मेडिसिन ऑन अ वाउंड स्टिल फ्रेश। ठीक है, किसी फ्रेश ताजा ताजा चोट पर जब आप मेडिसिन लगाते हो वैसे ही जो डार्कनेस था वो मेरे साथ ये काम कर रहा था। आई हिकअप, मैं अचानक से उठी, गौतमा लाफ्ट, दिस मेड मी फील एग्रीबली लाइक अ चाइल्ड। तो हुआ क्या, अब वो दोनों बाहर आके बैठ गए और जो सर्वेंट्स हैं वो जो बेड हैं उनको ठीक कर रहे हैं, उनके लिए बिछा रहे हैं, वो खुद अभी भी थॉट में चल रही है ना, तो
वो लोग जब बाहर आए और वो फील करते कि ये सेम वैसा ही था, मतलब अच्छा है प्लेजेंट जैसा उसने बोला वैसा ही, और अंदर तो मैं डार्कनेस में थी, जिससे मुझे एक अलग ही शॉक मिल रहा था, जैसे कि एक ताजा घाव के ऊपर आप यदि कोई इफेक्टिव मेडिसिन लगा दो, मतलब अंदर ज्यादा सही लग रहा था उसको। आई हिकअप, मैंने एक उठी, मैं हिचकी ली। गौतमा हंसने लगा, दिस मेड मी फील अग्रीबली लाइक ए चाइल्ड, इससे मुझे एक बचपना सा फील हुआ। आई वॉज नॉट हर्ट, मुझे बुरा नहीं लगा, एंड आई टुक हिज आर्म, मैंने उसकी आर्म ली, यानी कि इवन दो आई न्यू ही डिटेस्टेड मी टू डू सो, मतलब आर्म लेना जैसे जैसे हग किया और समथिंग, उसके पास में बैठी, जबकि मैं जानती थी कि उसको ये सब पसंद नहीं। ही टॉलरेटेड माई होल्ड, उसने मेरे होल्ड को सहन किया कुछ देर के लिए इन कंसिडरेशन ऑफ माई बेटर फ्रेंड, क्योंकि उसको मेरा दर्द पता था। आई एक्सपेक्ट देम मूव्ड अवे, मैंने एक्सपेक्ट किया कि यही है, लाइक ही मस्ट नॉट बी लाइकिंग इट, और मैं थोड़ा दूर हो गई, प्रिटेंडिंग टू जेस्चर टू द गार्डनर हु वाज स्प्रिंकलिंग द लॉन, ऐसे लॉन ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि मैं कुछ गार्डनर को कुछ कह रही हूँ जो कि लॉन में स्प्रिंकलिंग कर रहा है, पानी दे रहा है, सो एज टू ले द डस्ट बिफोर द बेड्स वर ब्रॉट आउट। और वो स्प्रिंकलिंग इसलिए कर रहा था ताकि जो मिट्टी है वो बैठ जाए, है ना, इवनिंग में जब अपन छिड़काव करते हैं, तो बेसिकली वो गार्डन में छिड़काव कर रहा था। द रिचुअल्स ऑफ द इवनिंग, द प्रिपरेशन ऑफ द नाइट फॉर द नाइट, ऑल वर वास्टली कम्फर्टिंग टू मी, जो डेली का रूटीन है वो एज इट इज चल रहा था, तो इससे मुझे काफी कंफर्ट मिल रहा था। द वरेंडा चेयर्स हैड बीन टेकन आउट ऑफ द लॉन फॉर अस, बाहर जो वरेंडा में जो चेयर रखी थी वो लॉन में लेके आएगी ना गार्डन में, बहुत बड़ी है, सॉरी टू लार्ज कंफर्टेबल केन चेयर्स, केन चेयर्स होती है प्लास्टिक की तार वाली, रादर बैटर्ड, बैटर्ड इन द सेंस काफी टाइम से यूज कर करके वो समझ लो थोड़ी ढीली सी हो गई, लटक गई है, रादर ओल्ड, पुरानी, एंड वी सेट डाउन, हम बैठ गए, एज वी डिड ईच इवनिंग, जैसा कि हम हर रोज करते थे, टू ग्लासेस ऑफ फ्रेश लेमनेड, और साथ में क्या पीते थे, नींबू पानी, एंड टू एन आवर और सो ऑफ मैट्रिमोनियल साइलेंसेस, शादी के बाद चुपचाप बैठ जाओ, नींबू पानी पी लिया, ज्यादा कुछ बात नहीं, या फिर थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन, वो भी मैट्रिमोनियल आफ्टर मैरिज। द लाइट इन द वरेंडा वॉज ऑन, लाइट वरेंडा की लाइट जो थी बरामदा की वो ऑन थी, इल्यूमिनेटिंग द व्हाइट पिलर्स, वो जो व्हाइट पिलर्स थे उस बरामदा में उनको चमका रही थी विद एन इनवर्ड ग्लो एज ऑफ मार्बल और एट सनसेट, जैसे कि मार्बल सनसेट में चमकता है वैसे ही वो पिलर्स उन लाइट से चमक रहे थे, दो नॉट क्वाइट सो सॉफ्ट और क्वाइट सो ट्रांसल्यूसेंट, ना ही ज्यादा सॉफ्ट ना ही ज्यादा ट्रांसल्यूसेंट, बट फिर भी चमक रहे थे। रंगून क्रीपर्स होती है, इस पे रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं, शायद शायद रात की रानी बोलते हैं उनको, या फिर कुछ और रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं उसमें, जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। एंटवाइंड दीज पिलर्स, तो इन पिलर्स के ऊपर जो क्या थी वो रंगून क्रीपर्स थी, एंड क्लाइम द वॉल्स, वो दीवारों पर चल रही थी, मतलब वो जो क्रीपर्स थी बेल होती है वो ऐसे ऐसे चल जाती है ऊपर तक, तो वैसे वो रंगून की क्रीपर्स चली हुई थी, ठीक है, जिन पे रेड फ्लावर्स आते हैं। स्प्रेड ट्रेम्बलिंग टेंड्रिल्स, टेंड्रिल्स क्या होते हैं, जो बेल के ऊपर वो ऐसे स्प्रिंग सी होती है उनको टेंड्रिल्स कहते हैं, तो वो ऊपर तक छत तक फैली हुई थी, ठीक है, एंड रैप देमसेल्व अराउंड द गैगोयल हेड्स ऑफ ड्रेन पाइप्स, सो दिस गैगोयल हेड क्या होते हैं, जो ड्रेन पाइप यानी जो नाली का जो मुंह होता है, ठीक है, इस तरह से उस तक वो लिपटी हुई थी ड्रेन पाइप के ऊपर ऐसे, चॉकिंग देयर ग्रीनिंग माउथ, ग्रीनिंग माउथ मतलब मुस्कुराते हुए माउथ, माउथ यानी खुला हुआ जो मुंह है उसको इन बेल ने क्या कर दिया, चॉक कर दिया, बंद कर दिया विथ ड्राई लीव, सूखी सूखी पत्तियों से, एंड क्राउनिंग देम विथ क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल स्टार लाइक फ्लावर्स, और उनको कैसे क्राउन कर दिया, स्टार लाइक फ्लावर्स, क्योंकि मैंने बताया कि रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, तो क्लस्टर्स ऑफ स्मॉल, बहुत सारे जो फूल है उनका झुंड यहाँ पर इकट्ठा हो गया, जिससे से लगता है कि क्राउन बन गया, दैट हैड बीन पिंक एंड रेड इन डे लाइट, ठीक है,
एंड नाउ वर व्हाइट एंड स्ट्रांगली सेंटेंट, मतलब इसका कलर भी बदल जाता है, व्हाइट रेड एंड पिंक, और बहुत ज्यादा इसमें खुशबू आती है। दे हंग इन लॉन्ग बंचेस, और इनके बहुत सारे गुच्छे। तो अभी आपको टास्क दिया जाता है कि आप गूगल पर देखोगे रंगून क्रीपर्स कैसी होती है और उसके फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हो। लाइक दोज ऑफ व्हाइट ग्रेप्स, जिस तरह से अंगूर के गुच्छे होते हैं वैसे ही फूलों के गुच्छे थे। नाउ राइजिंग अपॉन द अनइवन ब्रीज, कभी ऊपर उड़ते, नाउ डिसेंडिंग, कभी नीचे जाते, विद अ स्लो मिस्टीरियन मूवमेंट एज ऑफ नो चर्नल स्नेक्स। बेसिकली दीज आर द इवनिंग स्नेक्स, है ना, जो कि रात में आते हैं, ठीक है। स्लो मिस्टीरियन मूवमेंट एज ऑफ नॉक्चुरल स्नेक्स, दे से इट अट्रैक्ट स्नेक्स। वो कहते हैं कि ये जो बेल है ना, रात की रानी बोलो या रंगून बेल जो है, ये क्या करती है, इनको स्नेक्स को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही तीखी इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस आती है, स्वीट इंटॉक्सिकेटिंग फ्रेग्रेंस जो आती है इन फूलों में से, उस वजह से ये क्या है, रात को अट्रैक्ट करती है स्नेक को। इसको हम मधुमालती भी बोलते हैं, इस रंगून बेल को। नो आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूँ, इट इज क्वीन ऑफ द नाइट दैट अट्रैक्ट स्नेक। नहीं, ये नहीं, वो तो जो मैंने बताया रात की रानी, वो अट्रैक्ट करती है स्नेक को। ब्यूटी एंड एविल, एविल ब्यूटी, ठीक है। तो ब्यूटी, जहाँ पे सुंदरता है वहां पे इविल है, और जहाँ इविल है वहां ब्यूटी है, ठीक है। तो दो अपोजिट चीजें एक साथ रह रही है, इसका एक अनदर मीनिंग है जो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। तो इसके बाद देखते हैं स्नेक्स, समर सेंट, फ्लावर, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, इन द डार्क इन द ड्राई सेंटेड अप्रैल डार्क, द स्काई वॉज डिमली लिट बाय अप्रैल स्टार्स। छोटे छोटे स्टार्स हैं अप्रैल वाले। विंटर चली गई है, समर अभी तक आई नहीं है। आई ले बैक इन माई चेयर एंड ब्रीथ डीपली। आई कौन यहाँ पे, ऑलवेज माया। मैं चेयर पर बैठ गई और सांस लेने लगी। ले देयर वेटिंग फॉर समर, वहां पर बैठी हूँ, किसका वेट कर रही हूँ, समर का, नहीं, फॉर स्नेक्स, स्नेक का, क्योंकि मेरे दिमाग में भी स्नेक आया। फॉर द मून, मून का, आई डिंट नो, मुझे नहीं पता मैं किसका वेट कर रही हूँ, बट आई वॉज सिटिंग, यस आई डिड, इट वॉज दैट समथिंग एल्स दैट अनडिफाइनेबल अनईज एट द बैक ऑफ माई माइंड। मेरे दिमाग में पता नहीं किस चीज की बेचैनी थी, अनडिफाइनेबल, जो मैं बता ही नहीं सकती कि मैं क्या सोच रही हूँ, क्या चल रहा है, आई डोंट नो। द ग्रेन ऑफ सैंड दैट एक्ट इज एंड रिमेन मीनिंगलेस, द ग्रेन ऑफ सैंड मतलब वो जो छोटे मोटे थॉट्स हैं जो मेरे दिमाग में है, वो मुझे अनॉय कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, एक तरह से मीनिंगलेस है वो, मीनिंगलेस एंड येट इट्स प्रेजेंस वॉज वेरी रियल। मीनिंगलेस है लेकिन इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ही रियल है। एंड अ ट्रूली फिजिकल शेडो लाइक द जाइंट शेडोज कास्ट बाय द ट्रीज, और एक तरह से ट्रूली फिजिकल शेडो मतलब वो मेरे ऊपर ऐसे छाए हुए हैं जैसे कोई पेड़ के ऊपर, जैसे ट्री की कोई शेडो बन जाती है, पेड़ की जैसे छाया बन के उसका जो वो बड़ा स्वरूप ले लेती, वैसे मेरे दिमाग पर ये छोटी 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 चीजें जो है वो शेडो बनाई हुई, यानी कि छाई हुई मेरे दिमाग पे। स्प्लिट अक्रॉस द लीव्स एंड ग्रासेस टूवर्ड्स मी विद हॉरिफाइंग स्विफ्टनेस टिल लाइक द क्राउडिंग ब्लेड्स ऑफ ग्रास इट रीज माई टोज। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कुछ कुछ चीजें जो उसके दिमाग में आती है वो बताती है। स्प्लिट अक्रॉस द लीव्स एंड ग्रासेस, कोई चीज है जो कि लीव्स और ग्रासेस के बीच में से निकल के आती है मेरी तरफ, हॉरिफाइंग स्विफ्टनेस, बहुत तेजी से चलता हुआ, टिल लाइक द क्राउडिंग ब्लेड्स ऑफ ग्रास, है ना, जो ब्लेड्स ऑफ ग्रास है उनके बीच में से इट रीज माई टोज, मेरे टो तक पहुंचा, लैप माई फीट, मेरे फीट पर ऐसे मंडराया या घूमा, आई कैन से, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये अज्यूम करेगी कुछ ना कुछ है। लैप माई फीट, टिकलिंग एंड वरिंग, टिकल करना मतलब गुदगुदी करना, एंड वरिंग, एंड आई लैप लीप फ्रॉम माई चेयर इन टेरर, और मैं डर के मारे मेरे चेयर से उछल पड़ी।
ओवरकम बाय अ सेंसेशन ऑफ स्नेक्स कॉइलिंग, और मुझे क्या लगा जैसे कोई सांप मेरे पाँव में आ गया हो, कॉइल कर रहा हो, अनकॉइल कर रहा हो, यानी कि तो क्या होता है गोल गोल, है ना। एंड द मोस्ट लेंथ लेंथ अबाउट मी ऑफ ईविल डिसेंडिंग फ्रॉम एन ओवर हैंगिंग ब्रांच ऑफ एन इंस्टेंट डेथ। इस तरह से जैसे कि मतलब सांप जो है उसको वो इमेजिन करती है कि ऐसे लग रहा हो जैसे कोई सांप मेरे पाँव में आ गया हो, जिस तरह से कोई ईविल जो है वो डिसेंड कर रहा हो एक ब्रांच से, मतलब नीचे मैं यहाँ बैठी हूँ, यहाँ ऊपर खतरा है या ईविल है और वो ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे आ रहा हो मेरी तरफ, वैसे वो स्नेक जो था वो नीचे से उसके टो को टच करता है, उसको ऐसा फील हुआ। अनप्रिपेयर्ड फॉर द हेरल्डेड बाय डेफनिंग ड्रम बीट्स, ठीक है, उसने क्या किया अपना जो कान थे वो बंद कर लिए डर के मारे और चिल्लाए, व्हाट इज इट गौतमा शाउटेड। गौतमा भी चिल्लाया, वो भी उछला कि क्या हो गया क्या हो गया, है क्या है क्या। इकोर द सर्वेंट, सर्वेंट भी चिल्लाया उधर से, क्या हो गया क्या हो गया, वहां क्या है। ड्रॉपिंग द शीट्स दैट दे वर स्प्रेडिंग ऑन द बेड, जो बेडशीट बिछा रहा था उनको वहीं गिरा के वो भी भागा कि क्या हुआ क्या हुआ। लाइफ पीपल लाइट अगेन, नथिंग नथिंग, कुछ नहीं हुआ आई गैस, मैंने हाँफते हुए बोला कुछ नहीं हुआ। विद माई हैंड्स टू माई ईयर्स, मेरे कानों पे अभी भी मेरे हाथ थे, फॉर इट हैड ओनली बीन द ब्लड पाउंडिंग अगेंस्ट माई ईयर ड्रम, ऐसे जैसे मेरे कानों में भी ब्लड सर्कुलेशन होता, सर्कुलेशन इन द सेंसेस लाइक डर जाते हो तो पाउंडिंग अगेंस्ट माई, बहुत तेज से फ्लो कर रहा था ब्लड, ऐसा उसको फील हुआ। Someone switched on a table lamp, किसी ने टेबल लैम्प जलाई, एंड इमीडिएटली ग्रास एंड लीव्स वर लैकर्ड विद लाइफ, तो ग्रास और लीव्स जो है उसमें भी उजाला किया लाइट से। एंड अ लार्ज मोच केम हमिंग अलोंग विद नॉइसम क्यूरोसिटी, नॉइसम क्यूरोसिटी मतलब अजीब सी दुर्गंध बदबू या फिर स्मेल के साथ एक मोट जो होती है वो मतलब हमिंग करते हुए वो वहां से निकली। एंड एन आउल फ्लू आउट ऑफ द ट्री, एक उल्लू जो था वो पेड़ में से निकला, हूटिंग विद द मैरिमेंट, खुशी से चिल्लाता हुआ। नथिंग, कुछ नहीं, मैंने कहा, बट वुड नॉट अनकवर माई ईयर्स फॉर द ब्लड स्टिल बीट देयर, पर अभी भी मैंने अपने कानों से हाथों को नहीं हटाया और ना ही हटाऊंगी क्योंकि अभी भी मेरे यहाँ पे मतलब वो जो ब्लड था वो अभी भी बीट कर रहा है, यानी मेरे कान जो अभी भी धक धक कर रहे हैं। एंड पैनिक लाइक अ पिस्टन, पिस्टन की तरह, पिस्टन क्या होता है जैसे इंजन के ऊपर एक पिस्टन लगता है, एक वॉल्व काइंड ऑफ, तो पैनिक जैसे पिस्टन को हम नहीं हटाते इमीडिएटली वन शॉट से, जैसे इंजन को बंद कर दो तुरंत आप पिस्टन नहीं हटा सकते, बट कंटिन्यूज टू बीट विद अ स्लो, धीरे 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 हम उस वो बीट बीटिंग उसकी जब कम होती है उसकी डाइंग रिदम के साथ, जब तक वो फैड हो जाता है नेचुरली तब हम उस पिस्टन को हटाते हैं। वैसे ही मेरे जो काम है कान है जो बीप कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, उनको उनसे मैंने वो जो हाथ है वो नहीं हटाए। ओके, नॉर वुड आई सिट डाउन अगेन, और ना ही अब मैं दोबारा बैठूंगी। आई वॉज पोइज्ड फॉर फ्लाइट, मैं रेडी थी भागने के लिए उड़ने के लिए। एंड इवन दो नो एनिमी हैड रिवील्ड इटसेल्फ, और इवन एनिमी को भी नहीं पता होगा कि आई एम रेडी, आई स्टिल स्ट्रैंग फॉर फियर ऑफ इट, मुझे पता था कि वहां पर कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी मुझे उसका डर लग रहा था। व्हाट वाज इट, दे परसिस्टेड, अ फ्रॉग, अ स्नेक, क्या हो सकता है, फ्रॉग था कि स्नेक था। नो नथिंग नथिंग, बट आई वुडंट सिट हियर, कुछ नहीं था वहां पे पर मैं नहीं बैठूंगी। लेट्स वॉक गौतमा, लेट्स वॉक अप एंड डाउन, चलो वॉक करते हैं। सो वी डिड, एंड द सर्वेंट्स वेंट बैक टू स्प्रिंकलिंग द लॉन और टू स्मूदिंग शीट्स टू प्रिपेयरिंग डिनर, एंड द इवनिंग सेटल बैक इनटू अ फैमिली रूटीन, हम दोनों वॉक करने लगे और जो सर्वेंट्स थे वो अपना इवनिंग रूटीन जो है वो वही पानी छिड़कने का काम, बेडशीट बिछाने का वो करने लगे। सो दिस वॉज नॉट कम्प्लीटिंग लाइक येट नॉट कम्प्लीटेड इट इज, बट विल बी कवरिंग अप इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑल्सो, आई नो इट्स वेरी लेंदी, ऑलमोस्ट 3 वीडियोज वी नीड फॉर पार्ट वन, बट आई होप दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल स्टोरी बिहाइंड दिस टेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड इन केस इफ यू हैव एनी डाउट एनी थिंग यू वॉन्ट टू गिव मी एज अ रिव्यू और समथिंग, यू कैन राइट योर कॉमेंट इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू।